हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरसे एजुकेशन हबानसूर। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 बेटा। और इसमें हम बात कर रहे थे हाउ कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। इसमें हमारा लास्ट टॉपिक है आज क्रिस्टलाइजेशन। ओके, क्रिस्टलाइजेशन एक आप कह सकते हैं डेवलप्ड फॉर्म है इवेपोरेशन की। जैसे आप इवेपोरेशन से किसी भी सॉलिड कॉम्पोनेंट को सेपरेट करते हैं लिक्विड कंपोनेंट से, वैसे ही क्रिस्टलाइजेशन से भी हम सेम वर्क करते हैं। इज दैट क्लियर? बट इवेपोरेशन से एक बेस्ट फॉर्म है, इवेपोरेशन से एक बेस्ट स्ट्रक्चर है क्रिस्टलाइजेशन। इसके बारे में आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा कि हम क्रिस्टलाइजेशन करते कैसे। तो फॉर एग्जाम्पल आपको साल्ट के क्रिस्टल्स बनाने हैं, तो सबसे पहले हम एक बीकर लेंगे, इसमें वाटर है, इसमें हम बहुत सारा साल्ट ऐड कर देंगे। जब आपको लगे कि और ज़्यादा साल्ट हम इसमें ऐड नहीं कर सकते तो हम बीकर को हीट कर लेंगे बर्नर की हेल्प से। ओके बेटा, सॉरी आपको डायग्राम क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा, वेट अ मिनट। तो ये हमारा बीकर है, ठीक है, और इसको हमने क्या किया, इसमें वाटर है, इसमें हमने साल्ट ऐड किया। जब आपको लगे कि अब साल्ट डिजॉल्व होना बंद हो गया है तो हम इसको हीट कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम हीट कैसे करेंगे, बर्नर्स की हेल्प से, ठीक है। जब हीट करोगे तो इसमें और साल्ट आप ऐड करते चले जाओ, स्टिर करते चले जाओ, मिलाते जाओ उसको, ठीक है। अब आपने बहुत ज़्यादा साल्ट ऐड कर दिया, इसको आप कूल डाउन करो, इसको आप फिल्टर आउट कर लो, इस सॉल्यूशन को एक फिल्टर पेपर बनाएंगे, किससे की किसकी हेल्प से, फिल्टर पेपर की हेल्प से उससे फनल बनाएंगे और इसको हम इसमें पोर कर देंगे। जब हम पोर करेंगे तो वाटर तो नीचे आ जाएगा, इसमें हमारे जो है साल्ट के सब्सटेंसेस, ओके, यानी फिल्टर हो जाएगा। फिल्टर होने के बाद क्या करेंगे, हमारा जो ये सॉल्यूशन है ये, इसको हम रख देंगे अनडिस्टर्ब्ड। कैसे रख देंगे, अनडिस्टर्ब्ड। साथ में जो आपका सुपरिटेंट है इसमें जो बचा है उसको भी हम देखेंगे, लास्ट में हमें क्या मिलेंगे, इसके क्रिस्टल्स मिल जाएंगे साल्ट के। और इस तरीके से हम जो है वो प्योर फॉर्म गेट कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन से, क्लियर है। अब बात आती है फिजिकल और केमिकल चेंजेस की। तो क्या होते हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस, इनको भी समझ लीजिए हैंड टू हैंड। देखिए बेटा, फिजिकल चेंजेस का मतलब है चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या तो होती हैं, जैसे शेप है, साइज है, कलर है, ओके। और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मींस क्या है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज मींस इवोल्यूशन ऑफ गैस। किसी गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, इज इट क्लियर। साथ में न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है, किसी न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है, इज इट क्लियर बेटा। या इसको आप कह सकते हो स्मेल चेंज हो रही है, ओके। तो अगर इस तरह के चेंजेस हैं तो वो आ जाते हैं केमिकल चेंज में, और चेंजेस अगर ये हैं तो वो आ जाते हैं फिजिकल चेंज में। अब फिजिकल चेंज के एग्जांपल देख सकते हैं आप, जैसे वाटर में आपने साल्ट ऐड कर दिया, साल्ट इनटू वाटर, या शुगर इनटू वाटर, इज दैट क्लियर बेटा। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो फिजिकल चेंजेस के हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, कोई पेपर है, पेपर को आपने फोल्ड कर दिया, पेपर के आपने पीसेस बना दिए, चौक चौक को आपने क्या कर दिया, स्क्रैच कर दिया। तो ये सारे कैसे चेंजेस हैं, फिजिकल चेंजेस हैं। केमिकल चेंजेस की बात करें तो ये जो केमिकल चेंजेस हैं इसमें क्या होगा, इसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई भी न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी, जिसमें आप कह सकते हैं बर्निंग, डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। यानी जब आप किसी सब्सटेंस की ओरिजिनल फॉर्म को चेंज कर देते हो देन दैट इज नोन एज केमिकल चेंज। ओके बेटा, सो दिस इज ऑल ओवर अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 2। हैव ए गुड डे।